अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ आपका मेज़बान अरशद खान हाजिर है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में हमारा इंसार फौज पर है, शेर अफजल मरवत का कहना है। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा अलहदा इदारा समझना चाहिए। फौज सरहद पर लड़ती है और अपनी जानों का नजराना पेश करती है। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना है कि ये जहन से निकाल दें कि हम फौज के खिलाफ मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना है कि ये बात जहन से निकाल दें कि हम फौज के खिलाफ मुनाफिकत फैला रहे हैं। इमरान खान ने बार बार कहा है कि पीटीआई का फौज से किसी मकाम पर कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हमारा मैंडेट सियासी जमातों ने चोरी किया है। सियासी जमातों के सहूलतकार इलेक्शन कमीशन और आरओ हैं। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारी जंग पार्लियामेंट के अंदर और बाहर रहेगी। इस्लामाबाद की अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना आबारा में मुकदमा दर्ज है। तो नाज़रीन, ये आज की न्यूज़ थी जो कि हमने आपको बताई। उसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।